एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बच्चों बात कर रहे हैं परमाणु संरचना की, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी हाँ बच्चों, क्लास 11th की सेकंड यूनिट परमाणु स्ट्रक्चर। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, यानी कि बोर का परमाणु मॉडल। तो बच्चों सबसे पहले जो हमने परमाणु मॉडल पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बच्चों कुछ कमियाँ थी। पहली कि वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका था परमाणु के। और दूसरी जो बच्चों थी वो थी कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उससे निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जिसके कारण उसकी ऊर्जा निरंतर खत्म होते होते बच्चों इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिसके कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह की व्याख्या करने में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सक्षम नहीं रहा। तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल की। किसके बच्चों? बोर के परमाणु मॉडल की। तो बच्चों बोर का परमाणु मॉडल किसके बाद दिया गया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद दिया गया था। ठीक है बच्चों, नील्स बोर ने बच्चों बोर लिख दीजिए बच्चों नील्स बोर ने 1913 में दिया था। कौन सा बच्चों परमाणु मॉडल? तो परमाणु मॉडल का नाम रहेगा बच्चों परमाणु संरचना का बोर मॉडल। चलिए मैं लिख देता हूं बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है परमाणु संरचना का बोर मॉडल। ठीक है बच्चों, तो बोर मॉडल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था नील्स बोर। कब दिया था? 1913 में। और बच्चों किसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या गया था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी बच्चों उनको दूर करने के लिए क्या किया गया था बच्चों? नील्स बोर ने 1913 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो बच्चों अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और आप लिखना चाहते हैं तो बच्चों इसमें पॉइंट आ जाएगा कि नील्स बोर ने परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, एक परमाणु का सिद्धांत दिया या एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर मॉडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इनका जो मॉडल था बच्चों उसकी विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला पॉइंट बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों जो पहला पॉइंट है, चलिए हम जो भी जानते हैं पहले परमाणु के बारे में बच्चों एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपनी कक्षा में लगाता है, यानी कि निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले कक्षक में। तो ये किसने बताया था बच्चों? ये बताया था बोर के परमाणु मॉडल ने। तो पॉइंट नंबर वन जो बच्चों हमारा सामने आया वो आ गया बच्चों आपका कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या बच्चों आप समझ रहे हैं कि ये जो रेडियस है ये क्या होनी चाहिए बच्चों? निश्चित होनी चाहिए, निश्चित त्रिज्या। और बच्चों मैंने बताया था ऊर्जा भी कैसी होती है? इसकी समान होती है। कैसी होती है बच्चों? समान होती है। निश्चित त्रिज्या तथा ऊर्जा वाले समान कैसे पथ होते हैं बच्चों? ये तो कैसे पथ हैं बच्चों? वृत्ताकार पथ होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? वृत्ताकार पथों पर घूम सकता है। क्लियर बच्चों? पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या, ये जो बच्चों रेडियस होगी निश्चित होगी, और कक्षा की जो त्रिज्या है बच्चों ऊर्जा है वो भी कैसी होगी? निश्चित होगी। इन पथों में घूम सकता है बच्चों। और जो ये कक्षाएं हैं बच्चों इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहली वाली को K से, L से, M से, इसके बाद होगी तो N, मतलब इन्हें जनरली K, L, M, N आदि से रिप्रेजेंट करते हैं। या आपने बच्चों करा होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं पॉइंट नंबर वन में ही कि बच्चों इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? इन वृत्ताकार पथों को हम बोलते हैं बोर कक्षाएं, या जनरली हम क्या कह देते हैं बच्चों? कक्षा कह देते हैं या कोष कह देते हैं। ठीक है, और इन्हें बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर दो की बात कर रहे हैं बच्चों, पॉइंट नंबर दो जो है बच्चों, आप यहीं से समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, ये नाभिक है मतलब ये केंद्र है, ये एक त्रिज्या है मतलब एक वृत्ताकार पथ है, दूसरा है, ये तीसरा है। तो बच्चों इन तीनों का देखो, इसका केंद्र कहाँ पर है, यही है, इस दूसरे वाले का केंद्र कहाँ है, यहीं पर है, तीसरे वाले का केंद्र कहाँ पर है, यहीं पर। मतलब ये जो वृत्ताकार पथ होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं। कैसे होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं, मतलब इनका जो केंद्र है बच्चों वो समान होता है। क्या होता है, समान होता है, यानी कि कोस, कोस बच्चों किन्हें कहते हैं, इन्हीं वृत्ताकार को आपने जानते होंगे। तो बच्चों कोस क्या करते हैं, कोस नाभिक के परित है सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होते। मतलब समझ गए होंगे बच्चों मेरा, मैंने क्या बताया कि बोर ने बताया था, ये जो आप जानते हैं बच्चों परमाणु के बारे में, मैक्सिमम बोर ने बताया था, इन्हें 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं को कक्षाएं कहते हैं, और ये बच्चों सारी की सारी कैसी होती हैं, सकेंद्रीय होती हैं। तो पॉइंट नंबर बच्चों थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब थर्ड पॉइंट बच्चों ये कहता है कि नाभिक के चारों ओर, ये बच्चों नाभिक होता है, इसके चारों ओर बच्चों बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। आप समझ रहे ना बच्चों, ये तो 2D है, मान लीजिए नाभिक है बच्चों, नाभिक के चारों ओर बच्चों ऐसे भी कक्षाएं होंगी, ऐसे भी कक्षाएं हो सकती हैं, समझ रहे हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये आपका नाभिक है, ठीक है, अब कक्षाएं ऐसे भी हो सकती हैं बच्चों, ठीक है, और कक्षाएं ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, कक्षाएं ऐसे भी हो सकती हैं। तो नाभिक के चारों ओर बच्चों कैसी कक्षाएं होती हैं, काफ़ी सारी कक्षाएं होती हैं, ठीक है, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती हैं, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, किंतु इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कुछ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं बच्चों, जो जिनका कोणीय संवेग बच्चों h/2π का, किंतु इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। बच्चों h यहां पर प्लांक नियतांक होता है, ये आप फिजिक्स में जान जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नाभिक के चारों ओर बच्चों बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, केवल उन्हीं में चक्कर लगाते हैं या उन्हीं में घूमते हैं जिनका बच्चों कोणीय संवेग h/π का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है बच्चों mvr, कितना होता है mvr, ये बच्चों किसका गुणक होना चाहिए h/2π का, किसका होना चाहिए बच्चों h/2π का। तो ये हो गया बच्चों n h/2π, समझ गए बच्चों कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है mvr, और ये किसका गुणक होना चाहिए, तो ये होना चाहिए h/2π का गुणक होना चाहिए। तो बच्चों बात करें यहाँ पर m क्या है, आप लिख लेना बच्चों, एम है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेग वेलोसिटी, आर बच्चों बोर कक्षा की त्रिज्या यानी कि परमाणु की त्रिज्या, जिस कोष की बात करेंगे बच्चों उसकी त्रिज्या, एन बच्चों बोर की कक्षा की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 जो मैंने लिखे थे उनमें से कोई एक होगा जिस कक्षा की बात करेंगे, और एच क्या होता है बच्चों यहाँ पर प्लांक नियतांक होता है, क्या होता है बच्चों प्लांक नियतांक होता है। पॉइंट नंबर चार बच्चों, पॉइंट नंबर चार आपको ध्यान से समझना, क्योंकि रदरफोर्ड ने बच्चों ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उससे क्या हो जाती है बच्चों ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर सकता है और जिससे परमाणु का जो अस्तित्व है बच्चों वो समाप्त हो जाता है,
लेकिन बच्चों बोर ने बताया था कि एक निश्चित ऊर्जा की स्थायी कक्षा, एक निश्चित ऊर्जा की, बच्चों मैंने क्या बताया था, निश्चित ऊर्जा की स्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, एक निश्चित ऊर्जा की, एक निश्चित ऊर्जा की स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। और बच्चों जब चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा तो ऊर्जा कम नहीं होगी और वो नाभिक में नहीं गिरेगा, चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो मेरी बात समझ गए बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए बच्चों वो उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी और ना ही वो नाभिक में गिरेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जब वो अपनी कक्षा छोड़कर बच्चों ऊपर की कक्षा में जाएगा, ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। लेकिन जब ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आएगा, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं बच्चों। तो पॉइंट नंबर फिफ्थ बच्चों, तो जो नाभिक में होता है बच्चों, वो डायग्राम में आपने देखा होगा कि घूर्णन का अपकेंद्रीय बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। तो ये जो था बच्चों, जैसे नाभिक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ये तो हो गया बच्चों आपका अभिकेंद्रीय बल। क्या हो गया? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और नाभिक के कारण क्या होता है बच्चों? वैद्युत आकर्षण बल। क्या होता है? वैद्युत आकर्षण बल। तो ये दोनों कैसे होते हैं बच्चों? संतुलित होते हैं, जिसके कारण जो परमाणु है बच्चों वो एक दूसरे को बच्चों क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं बच्चों? संतुलित रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी बताया था मैंने, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में, निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें या तो आप सामान्य ऊर्जा स्तर कहेंगे या आद्यवस्थ, ठीक है, या सामान्य अवस्था कहेंगे बच्चों, या तो मूल अवस्था कहेंगे या सामान्य अवस्था कहेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है तो वो उत्तेजित होकर बच्चों कहाँ चला जाएगा? ऊपर जा सकता है। मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा, वो ऊर्जा ग्रहण करेगा। जैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हुआ? बाहर से ऊर्जा मिलने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, तो बाहर से ऊर्जा मिलने पर वह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। चला जाता है जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तेजित अवस्था कहते हैं। आप लिख लेना। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक अभी तक हमने बोर के केवल एक ही परमाणु की बात करी थी, जो उसका एक पॉइंट था, हमने उसकी तीन कमियाँ पढ़ी थी, एक हम बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बच्चों मैं सीधा पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलता हूँ, 6 बच्चों। तो वैसे तो बच्चों इसमें 8-9 पॉइंट बना सकते हैं कितने ही, लेकिन ये हमारा बच्चों आज का लास्ट पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट में बच्चों मैं आज उस पॉइंट की बात करूँगा जो बोर के परमाणु मॉडल की बच्चों एक कमी थी। और कमी क्या थी बच्चों? कि वो परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता था
और बोर ने बच्चों जो परमाणु दिया था वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए दिया था, इसलिए मैं सीधा बच्चों वही पॉइंट लेकर आ रहा हूँ। तो बच्चों संक्रमण के समय, संक्रमण का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, ठीक है। तो संक्रमण के समय ऊर्जा उत्सर्जन के कारण प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। तो रेखाएं उत्पन्न होंगी तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया संक्रमण के समय, किसके समय बच्चों, संक्रमण के समय, ठीक है। संक्रमण के समय ऊर्जा उत्सर्जन के कारण प्राप्त ऊर्जा उत्सर्जन के कारण प्राप्त स्पेक्ट्रम जो था बच्चों आपका, वो कैसा प्राप्त होता है, रेखीय प्राप्त होता है। संक्रमण के समय ऊर्जा उत्सर्जन के कारण प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की बच्चों रेखाएं प्राप्त होती हैं, निश्चित आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती हैं। उत्पन्न होती हैं, प्राप्त होती हैं, जो भी आप लिखना चाहें बच्चों। अतः यह बच्चों क्या करने में सक्षम रहा, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में बच्चों क्या रहा, सफल रहा। क्लियर। तो बच्चों परमाणु संरचना का जो बोर मॉडल है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं, जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। यही आपको अपने जो आपके एग्जाम्स होंगे, होम एग्जाम्स होंगे, उन्हीं के हिसाब से बेटर रहता है बच्चों, और नॉलेज के लिए भी काफ़ी है। तो एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों। तो मैंने बताया था बच्चों जो परमाणु होता है उसमें नाभिक के चारों ओर बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये पॉइंट हम जानते हैं। इसको वन, इसको टू, तीसरे वाले राउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, तीसरी कक्षा। तो पहला पॉइंट क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये हम जानते थे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो पहली कक्षा में है बच्चों दूसरी में नहीं जा सकता, जो दूसरी में वो तीसरी में जनरली नहीं जाता है, अपनी अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और उनकी ऊर्जा बच्चों कैसी होती है, निश्चित होती है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। पॉइंट नंबर दो में जो मैंने बताया था बच्चों, वो मैंने बताया था जितने भी वृत्ताकार पथ होते हैं इनका सेंटर एक ही होता है, मतलब ये नाभिक के चारों ओर ही घूमते हैं, सेंटर के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए बच्चों उसे हम क्या कहते थे, सकेंद्रीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, सकेंद्रीय। पॉइंट नंबर तीन में बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, मान लीजिए बच्चों इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में के में जब इसमें चक्कर लगाएगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा यानी कि चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करेगा, तो ऊर्जा बच्चों उसकी कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, जिसके कारण बच्चों इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा। इसका मतलब जो रदरफोर्ड ने बताया था उसकी जो कमी थी कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते हुए नाभिक में गिर सकता है, वो बच्चों यहाँ से दूर हो गया। पॉइंट नंबर फोर्थ जो है बच्चों आपका वो था बच्चों, अच्छा पॉइंट नंबर फोर्थ बता दिया बच्चों मैंने। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो था बच्चों आपका, वो आप देख पा रहे हैं बच्चों चारों ओर जो जितनी भी कक्षाएं होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं। तो बच्चों एक बात और समझ लें कि ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, आज तक अपने बुकों में देखे हैं, ये 2D में डायग्राम होते हैं, आपको जनरली हम ऐसा ही बना के दिखाते हैं। लेकिन बच्चों जैसे मैंने बताया कि अगर ये एक सेंटर है तो ऐसे भी चक्कर लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, और ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब नाभिक के चारों ओर किसी भी तरीके से हो सकता है, 3D में होता है। क्लियर। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग बच्चों h/2π का पूर्णगणक होता है, जहां पर h क्या था बच्चों आपका, प्लैंक नियतांक था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, मतलब अपने मूल अवस्था में रहते हैं, लेकिन वो ऊर्जा पाकर बच्चों एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं या एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक होती है मूल अवस्था, जनरली इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था में ही होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें बाहर से बच्चों एनर्जी देते हैं तो वो किस में चले जाते हैं बच्चों आपके, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे ऊर्जा पाकर, और उसी को हम बोलेंगे बच्चों एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था। और नेक्स्ट है बच्चों जो हमने लास्ट पॉइंट बताया है कि संक्रमण के समय जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों, उससे जो रेखाएं प्राप्त होती हैं वो निश्चित आवृत्ति की होती हैं और एक सामान्य रेखाएं प्राप्त होती हैं, अतः यह परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला,
बोर के परमाणु मॉडल से आप क्या समझते हैं, दूसरा छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में किस प्रकार सफल रहा, या रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने में किस प्रकार सफल रहा, तब भी आप यही पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एक बार फिर रिवाइज कीजिएगा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो, बुक की हेल्प लीजिएगा बच्चों, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद बच्चों।